डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डॉल्फिन और पीआरयू का 15 की कॉल पर रिस्पांस टाइम औसतन 5 से 7 मिनट रिकॉर्ड। मुल्तान पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने मफरूर कातिल गिरफ्तार कर लिए। और सियालकोट ट्रैफिक वार्डन्स का काबिले सताइश कारनामा, गुमशुदा बच्चों को तलाश करके गमजदा वालिदैन के चेहरों पर खुशियां बखेर दी। अस्सलाम वालेकुम, सीएसडी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डॉल्फिन और पीआरयू का 15 की कॉल पर रिस्पांस टाइम औसतन 5 से 7 मिनट रिकॉर्ड किया गया है। एसपी डॉल्फिन तौकीन नईम ने कारकर्दगी का जायजा लिया। डॉल्फिन ने 162 इश्तिहारियों समेत 141 आदि मुलजमान, 327 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। अक्टूबर में दौरान पेट्रोलिंग 45 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और संगीन जराय में मुलविस 2182 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। दौरान वारदात 15 की कॉल्स पर डकैती, चोरी और राहजनी में मुलविस 27 गैंग्स के मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड ने माह अक्टूबर में 4 पुलिस मुकाबलों के दौरान डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। हवाई फायरिंग से खौफ व हरास फैलाने वाले 11, पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में 25 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। 15 की कॉल्स पर रिस्पॉन्स करते हुए 140 नौसरबाजों और चोरों से 51 मोबाइल्स बरामद किए गए हैं। स्टॉप एंड सर्च के दौरान 2,39,582 व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स और 9,65,719 अशखास को चेक किया गया। डॉल्फिन ने 78 जाली नंबर प्लेट्स, 1,198 चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स और व्हीकल बरामद की हैं। मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 58 बोतलें शराब बरामद हुई हैं। डॉल्फिन और पीआरयू ने वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 91 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार किया है। मुल्तान पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने मफरूर कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्तान पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजमान मुअज्जम और सलमान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान 2 हफ्ते कबल इब्राहिम शाह को पिस्टल के फायर से कत्ल करके मौके से फरार हो गए थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुअज्जम ने इब्राहिम शाह को अपनी वालिदा से ताल्लुकात के शुबे में कत्ल किया था। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। एसपी रावल डिवीजन बाबर जावेद जोया की पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में क्राइम मीटिंग। मीटिंग में एसडीपीओ सिटी माहम खान, रावल डिवीजन के एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में तमाम एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एसपी बाबर जावेद जोया ने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल गश्त के निज़ाम को मौसर बनाने और मुकदमात को मेरिट पर यकसू करने की हदायत की। एसपी रावल ने हदायत दी कि थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आया जाए। सियालकोट ट्रैफिक वार्डन्स का काबिले सताइश कारनामा, गुमशुदा बच्चों को तलाश करके गमजदा वालिदैन के चेहरों पर खुशियां बखेर दीं। ट्रैफिक वार्डन वहीद अशरफ और वकास बेग को दौराने ड्यूटी सड़क पर 2 कम उम्र बच्चे रोते हुए मिले। ट्रैफिक वार्डन्स ने बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। 3 घंटे की अनथक कोशिश के बाद वालिदैन को तलाश करके बच्चों को हवाले किया गया। 2 कमसिन बच्चों की अचानक गुमशुदगी पर पूरी फैमिली गम से निडाल थी। बच्चों की बखैरियत वापसी पर उन्होंने रब का शुक्र अदा किया और पुलिस को ढेरों दुआएँ दीं। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए psa.media और सोशल मीडिया पेजेस।